वो है मॉइस्चराइजिंग. व्हाट इज़ मॉइस्चराइजिंग, हाउ टू यूज़ ए मॉइस्चराइजर. हम हमारी स्किन को हाइड्रेटेड रखने के लिए, सॉरी बॉडी को, हम पानी पीते हैं तो स्किन को हाइड्रेटेड रखने के लिए आपको करना है मॉइस्चराइज. और मैंने यहाँ पर ऑयली स्किन का जिक्र इसलिए किया है क्योंकि मैंने देखा है ऑयली स्किन वाले मॉइस्चराइजर का इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि वो सोचते हैं उनकी स्किन ऑलरेडी ऑयली हैं और कितना ऑयल इस्तेमाल करें. तो आप जेल बेस्ड मॉइस्चराइज़र इस्तेमाल करो, वाटर बेस्ड पर ज़रूर करो, क्योंकि अगर आपकी स्किन में ऐसा लगेगा नेचुरल, हमारी स्किन सरफेस पे ना क्या होता है कि ऑयल ऑलरेडी नेचुरल ऑयल क्रिएट होते रहते हैं स्कैल्प पे, स्किन पे, तो अगर आप हाइड्रेटेड नहीं रखोगे तो स्किन को लगेगा कि आपकी स्किन में मॉइस्चराइज नहीं है तो और ज़्यादा ऑयल क्रिएट करने लगेगी. तो इसके लिए हमें क्या करना है, मॉइस्चराइज़र को ज़रूर इस्तेमाल करना है. तो और आप एक बात का ज़रूर ख्याल रखो कि मॉइस्चराइज़र कितनी देर के लिए आप रख पाओगे. आप ऐसा कोई मॉइस्चराइज़र मत इस्तेमाल कीजिए कि सनस्क्रीन एक साथ मिलाया हुआ है, क्योंकि डायरेक्ट वो स्किन के लिए अच्छा नहीं है. मॉइस्चराइज़र के ऊपर आप लगाओ, जैसे कि मैं मॉइस्चराइज़र अप्लाई करती हूँ, मेरी ऑयली स्किन है तो मैं पतंजलि का इस्तेमाल करती हूँ, ठीक है. और एक बात है, कैसे लेना है, ऐसे लेने के बाद मॉइस्चराइज़र को, मेरी तो ख़त्म हो चुकी है, मुझे ख़रीदना है. तो सपोज़ मैंने लिया है, इसको लेने के बाद मैंने देखा है हाथों को रब करते हैं, हाथों को मत रब कीजिए, डायरेक्टली स्किन पे डॉट 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 अप्लाई कीजिए, नहीं तो आपकी सारी प्रोडक्ट आपके हाथों में चला जाएगा. आप डॉट डॉट करके फिर अप्लाई कीजिए आपकी, फिर मसाज करके फिर अच्छे से अप्लाई कर लीजिए ताकि अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए. तो इसके बाद आपको सनस्क्रीन जो भी लगाना है आप लगा सकते हो. तो ये थी बेसिक सी चीज़ें. मैंने बहुत ही सोच समझ के ये सारी बातें आपसे शेयर किया है ताकि आपको अच्छे से एक बेसिक सी चीज़ें पता चले इस CTM को लेके. और CTM को लेने के बाद एक और क्वेश्चन आती है कि स्किन टाइप क्या है. अगर आपको इस बारे में वीडियो चाहिए तो आप ज़रूर बताओ कौन सी स्किन टाइप वाले कौन सा फेस वॉश इस्तेमाल करते हैं, उस बारे में भी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी. अगर आप चाहो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना.